हेलो फ्रेंड्स, मैं तेज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आई होप आप अपना, अपनी फैमिली का और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिंट, पुदीना। आज हम इजी मेथड से पुदीना उगाना सीखेंगे। मैं इजी से इजी मेथड यूज़ करूँगा। इसे टकसाल जड़ी बूटी भी कहते हैं। वर्ल्ड में इसकी 18 स्पीसीज हैं। यह लेमियसी फैमिली का प्लांट है। यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह प्लांट आप पूरे साल ग्रो कर सकते हैं, इसका कोई सीजन नहीं होता। इसके छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, उनमें सीड्स होते हैं इसके। फ्रेंड्स, ये पुदीना है जो मार्केट में आपको वेजिटेबल की दुकान में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको एक बंडल ले आना है और इसको एक पॉट में लगा देना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वो बंडल चूज़ कीजिए जिसमें रूट्स हों। अगर जिसमें रूट्स ना भी हों तो वो भी चलेगा। ये देखिए, मैंने इस ग्लास में क्या है कि ये पुदीना 1 घंटे पहले मैंने इसमें डाल दिया था। इसमें कुछ रूट्स भी हैं और किसी में रूट्स भी नहीं है। तो मैं सबसे इजी मेथड के द्वारा आपको ये गमले के अंदर लगाना सिखाऊंगा। ये फ्रेंड्स, हम ग्लास में इसलिए डालते हैं पानी में कि जो इसकी रूट्स हैं वो सारा पानी सक कर ले और ये प्लांट वापस मोश हो जाए। मिट्टी हमें 50-50 लेनी है, यानी 50% सैंड और 50% नॉर्मल रेत। इसको वेल्ड्रेन सोइल बहुत अच्छी लगती है। अगर पानी ठहरा हुआ रह गया तो इसकी रूट्स गल जाएंगी और ये प्लांट खराब हो जाएगा। इस प्लांट को आपको इंडोर में रखना है या फिर नेट के नीचे रखना है। डायरेक्ट सनलाइट इसे पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, पहले इस प्लांट को इस पॉट में शिफ्ट कर देते हैं, फिर दूसरी बात हम करेंगे। इसे पॉट में शिफ्ट करना बहुत इजी है। आप एक एक स्टेम लीजिए और इस प्लांट को इस पॉट में लगाते जाइए, फिर ऊपर से आप रेत डाल सकते हैं। मैं ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जो ये स्टेम्स और ये ब्रांचेज होती हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। डायरेक्ट आप मिट्टी में दबाओगे तो ये टूट भी सकती है। अब ये देखिए, इसमें कुछ रूट्स उगी हुई मुझे मिल गई थी तो मैं इसे ले आया। ऐसी आपको चूज़ करनी है। इसे आप हैंगिंग पॉट भी बहुत अच्छे बना सकते हैं, बहुत सुंदर दिखेंगे हैंगिंग पॉट। ये आप इसके चारों तरफ लगाते जाइए। फिर हम मिट्टी को ऊपर से डालेंगे। आपको जो मोटी ब्रांच हो वो चूज करनी है। इजी टू ग्रो प्लांट है। ये इसकी रूट्स देखें फ्रेंड्स, काफी डेवलप है। ये इजी ग्रो होगा। अगर आपको रूट्स नहीं भी मिलती है तो कोई इश्यू नहीं है। 1 वीक में इसकी रूट्स जर्मिनेट हो जाती है।
इसको ऐसे चारों तरफ आप लगा दें। जो पतली ब्रांच हो वो आप हटा भी सकते हैं और हेल्दी ब्रांच आप ले सकते हैं। अब ये ब्रांच देखिए फ्रेंड्स, इसमें ओनली रूट्स ही हैं, कोई लीव नहीं है। जब ऐसी ब्रांच आपको मिल जाए तो ये जो मोटी वाली ये रूट्स हैं ये आपको नीचे की तरफ लगानी है और ये वाला एरिया ऊपर होगा। ये बहुत ईजी ग्रो करेगा। ये ब्रांचेज आपस में उलझ जाती है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगता है। पहले आप इसकी सारी ब्रांच सेट कर लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको बीच में सोइल भरनी है। मैं आपको भर के दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस टाइप से इसको सेट करना है, फिर ऊपर से हमें सोइल भर देंगे इसमें। ये चारों तरफ से गुड लुकिंग देगा। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस टाइप से इसको सेट करना है, फिर ऊपर से हमें सोइल भर देंगे इसमें। ये चारों तरफ से गुड लुकिंग देगा। ये देखिए, अब मैं इसमें सोइल भरूंगा। ये नॉर्मल बालू रहते हैं, मैंने इसमें जो सैंड है वो पहले से ही नीचे लगा रखी थी। ये सबसे इजी मेथड है फ्रेंड्स। इसमें सोइल अच्छे से भर चुकी है फ्रेंड्स। या देखिए, ये जो मैंने बीच में जो स्पेस छोड़ा है, इसकी रूट्स को बढ़ने के लिए मैंने स्पेस दिया है। फ्यूचर में यहाँ से भी लीव्स निकलेंगी ऊपर। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसको आप हैंगिंग पॉट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। तो ग्रो करने के दो मेथड होते हैं फ्रेंड्स, एक आप सोइल में उगा सकते हैं और एक आप वाटर में उगा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट उगाते हैं वैसे। इस प्लांट को आपको पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालना है। आप देख लीजिए ऊपर का जो सरफेस एयर है आपको ड्राई दिखे तभी इसमें पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं हो, इसी ध्यान रखना हमें। आप इंडोर में रखेंगे जहां इनडायरेक्टली सनलाइट आती हो तो ये बहुत अच्छा चलेगा, और आप नेट के नीचे भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। इस टाइप के आप 3-4 पॉट तैयार कर लीजिए, आप पूरे साल अपने किचन के लिए मिंट अवेलेबल करवा सकते हैं बहुत इजीली। ये हर्बल प्लांट भी है, इसकी पत्तियों को कच्चा डेली अगर चबाया जाए दांतों के रोग जैसे पायरिया हुआ, मसूड़ों से फूल निकलना, ये सब ठीक हो जाते हैं।
यह माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। इसका तेल भी निकलता है जो मच्छर मक्खी इंसेक्ट्स को भगाने के काम आता है। मिंट का यूज चेहरे पर फेस पैक लगाने में भी होता है। बुखार, खांसी, जुखाम, मलेरिया, न्यूमोनिया, पेट दर्द, नकसीर, ये सब ठीक करने में मिंट की आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।